हम फाइनली डिश के सामने आ गए। ये वाला जो LNB है ये है हमारा DD फिनिश में, और ये वाला जो है SA7, और ये वाला है जी ये बंगबंधु ने सेट किया हुआ है। तो जैसे कि ये जो सैटेलाइट है ये बीच में जो आ रहा है 105 डिग्री, तो इसका सिग्नल बिल्कुल सामने से आ रहा है, और DD फिनिश का पोजिशन कुछ इस साइड में हो रहा है, तो DD फिनिश का सिग्नल यहाँ से आके आपका इस साइड में जाएगा। तो इसलिए हमने LNB डिश के पीछे खड़े होकर बाएं तरफ लगाया है, और बंगबंधु का सिग्नल आता है इस साइड से, तो यहाँ से आके इसका सिग्नल डिश पे गिरता है, फिर बाउंस होके इधर में चला जाता है। तो हमने बंगबंधु को इसलिए डिश के पीछे खड़े होकर डायने की तरफ लगाया है। दोस्तों आ गए अभी हम टीवी स्क्रीन के सामने, बंगबंधु सैटेलाइट क्यू बैंड का सिग्नल बहुत ही बढ़िया मिल रहा है, अभी SA7C बैंड का सिग्नल भी बहुत बढ़िया मिल रहा है, और अभी DD फिनिश का सिग्नल ये भी बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। दोस्तों अगर आप इस तरह से सेटिंग करते हो तो बहुत सारा चैनल बिल्कुल फ्यूचर देख सकते हो।